हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मुझे धोने हैं सारे कर्टेन और दी ने मशीन में पानी भर दिया है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन क्या क्या कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, रिहा यहाँ बैठी है और ये देखिए जेस की दादी और पापा यहाँ पर कपास डाल रहे हैं। और ये देखिए मशीन में पानी भर दिया है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स अंदर क्या करती है। ये क्या ले रहे बेटे तू? लाइट वाली अंगूठी? ये कैसी होती है भाई, दिखाना। ये बंद है, ये खुलने वाली है, अभी इसे बंद करेंगे। क्या बात है, इसमें तो सही लाइट चसती है भाई, बड़ी अच्छी रिंग ले रहे हो। रिहा क्या कर रही है? ये देखिए रिहा कहाँ चढ़ी हुई है। क्या निकाल रही हो बेटा? चेरी, चेरी जो आइसक्रीम में पत्ती है। वो चेरी निकाल रही थी, खा ली। जैसी ना बेटे, ना लड़ाई नहीं। और ये देखिए लड़ाई में जयेश रिहा के पीछे पड़ा हुआ है और जरूर पकड़ेगा इसे, मानने वाला नहीं है ये। गिरे क्या पटरी कैसे है? ना फिर से बोलोगी दोबारा दर्जी में गया हमने थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं कर्टेन धोऊंगी। तो ये उतार रहे हैं जेस के पापा और रिह और जेस की बाहर मची हुई है लड़ाई, पूरा झगड़ा हो रहा है दोनों का। नीचे गिरी सोफा, पहले गिरी, कवर दो दिए इसके सोफे के। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं सारे रूम की कर्टेन जेस के पापा से उतरवा लूँगी और फिर धोऊंगी मैंने। और इस बाहर वाले रूम में तो दो विंडो है, तो इन दोनों विंडो के कर्टेन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है धोने, क्योंकि बाहर वाली जो खिड़की होती है उनमें तो धूल मिट्टी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कर्टेन तो उतर चुके हैं, बस ऊपर वाले रूम के बाकी है, वो भी ले आएंगे। चलो देखते हैं कि बाहर कौन क्या कर रहा है। और ये देखिए मम्मी पीपा भर रही है, जय साइकिल के कुछ कर रहा है और रिहा को इसने रुला दिया है, ये बैठी है अपनी मम्मी की गोद में। और यहाँ दीदी काट रही है प्याज, क्योंकि सभी की डिमांड है कि नमकीन चावल बनाए जाए, तो यहाँ मैंने इनको छोंक दिया है। और रिहा मांग रही है मीठे चावल, तो दूसरी गैस पर हमने मीठे चावल चढ़ा रखे हैं। ये देखिए ये है गुड़ का पानी। और अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ। और इसमें दीनी मीठा पानी छान दिया था, ये बस नीचे की जो तली में रह जाता है वही बचा हुआ था, वो भी छान दिया है। और यहाँ दी धो रही है चावलों को जो मीठे बनाए जाएंगे, और ये अब डाल दिए हैं इस मीठे पानी में, और ये रिहा के लिए रेडी हो जाएंगे मीठे चावल। और देखते हैं कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। और ये देखिए पापा बेटा देख रहे हैं LED, और जयेश के पापा कर रहे हैं इस वक्त फ़ोन पर बात। तो फ्रेंड्स, कुकर को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, और जब तक कुकर में सीटी आती है, चावल पकते हैं, तब तक मैं ये कर्टेन धो लेती हूँ। इनका सर्फ का पानी मैंने ड्रेन कर दिया, अब साफ़ पानी में धो रही हूँ। ये देखिए इसमें भी साफ़ पानी आ गया है। और सारे कर्टेन एक साथ नहीं धुल सकते, कुछ मशीन में है कुछ बाहर है। जस्सी आ गया कपड़े धोने के लिए। ये देखो उल्टे काम देखो, ठंडा पानी में पहले पैर भिगोए फिर अब बात। दो सकती है ली इसकी सीमी, इसको देख पहले। जिसी ना बेटा ठंडा पानी है, गर्म में ना आया तू ही। चल उठ ले, लगा दो चार थप्पड़ ऐसे, निमाने वाला ये।
बारह ये तो देखिए फ्रेंड्स, जेस के मैक्सिमम काम उल्टे सीधे ही होते हैं। ये देख लो, ये देख लो, आइए एक बारी। ओ कोई नहीं निकला। हाँ हाँ, एक बारी बुला इसके पापा को बुला। ओ कोई निकला उसके बाद वो ऐसे नहीं निकला करता बेटा, वो पर्दे में फंस गया बीच में। अच्छा उसका वेट कर दिया, भाग गया भाग गया भाग गया। तीसरी है कि नहीं? हाँ बेटा, ठंडा पानी ने ओ नहीं निकलता, फंस गया। पाग सही देखे घुल गया, देख बोल रहा, देख पाग से तो था पानी में, घुल गया देख पानी में, घुल गया। हाँ तो घुल गया इसमें, अरे रुई तेरे मुंह में चबा रखी थी रुई। ये देखो रेल की है भाई। चार सीटी आ गई। और यहाँ जयस रिहा के साइकिल का हॉर्न ले रहा है और वही बजा रहा है। और मैंने इसमें पर्दे धो लिए हैं, अब इस पानी को मैं उड़ेल देती हूँ और साफ पानी दोबारा से इसमें भर लूंगी। मशीन खराब कर रही, देख मोड़ी मोड़ी देख कर रही, देख साइड ओ फसा दिया पाइप में, बिछ गया उधर। पहले तो जियस को देखो, ये लगा इसकी मम्मी की हेल्प करनी। मैं हेल्प नहीं करवाता, मैं तो मुंह में करूंगी पानी भरूंगी तो ये इसके तो तारीफ भी ना किया करो। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कर्टेन धुल चुके हैं और मैं इसी तरह से अब इन्हें धूप में फैला दूंगी। अभी तक आंगन में धूप नहीं आई है, जाते टाइम की धूप आएगी क्योंकि ये दोपहर का समय है। और उधर जयस की दादी कपास निकाल रही है और इधर जयस मशीन में दोबारा भर रहा है पानी, क्योंकि फिर इसमें और कपड़े डाले जाएंगे धोने के लिए। और सभी इसी तरह से कुछ ना कुछ काम में लगे ही रहते हैं, बच्चे भी लग गए हैं हेल्प करने अब तो मम्मी की। और आज पानी फुल आया हुआ है तो मैंने सब कुछ धोने का ठेका आज ही ले लिया है, तो मैं लगी हुई हूँ पूरी तरह से, आज सब कुछ क्लीन कर दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, रिहा किस तरह से लेटी हुई है और अब इन पेटियों के कवर डाल रखे हैं मशीन में धुलने के लिए। और मम्मी ने मक्खन से घी बनाया था तो वो छान कर जग भर रही है और रिहा देख रही है फ़ोन और दी बना रही है मीठे चावल जो अभी तक नहीं पके हैं। और ये पापा बेटा खा रहे हैं नमकीन चावल, जयस फोन में बिजी है। चलो चलते हैं दी के पास, ये देखिए मीठे चावल भी बन गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कर्टेन तो मैंने सारे धोकर सुखा दिए हैं, अब इसमें जो पेटियों के कवर धुल रहे हैं वो भी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये भी धुल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेली तो धुलते नहीं हैं क्योंकि वही होता है कि टाइम नहीं लगता है, लेकिन दिवाली एक टाइम ही ऐसा होता है जहाँ पर सफाई नहीं करनी होती है, वहाँ पर भी हो जाती है। तो इसलिए इन पेटियों के कवर की भी आज तो धुलाई हो गई है, ये भी धुल चुके हैं। लेकिन सारे घर के कर्टेन और ये कवर तो धुल चुके हैं, लेकिन जब तक पहनने वाले कपड़े धोने की बारी आएगी ज़रूर टूटी चली जाएगी। तो वैसे भी आज तो मेरी कमर में पेन होने लगा है, तो आज तो मैं वो नहीं धोऊंगी और पानी भी चला जाएगा, तो उन्हें धोऊंगी मैं कल, आज इतना धुल गया काफ़ी है।
तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें इसे डाल दूंगी सूखने वाली मशीन में और इसमें फिर लगा दूंगी इस तरह से पाइप, इसमें साथ के साथ पानी चलता रहेगा और इसका सर्फ निकल जाएगा, क्योंकि एक दो बार तो मैंने धो लिए हैं, बाकी ये अब धुल जाएंगे और जो सर्फ होगा वो भी निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पेटियों के कवर और मैंने इनको डाल दिया है मशीन में, अब बंद कर दूंगी और थोड़ी देर बाद देखना कि ये पानी भी साफ आने लगा है। और अब मैं ये सर्फ का सारा पानी उड़ेल दूंगी और टपों को धोकर रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, इधर टप धुल चुके हैं और इस साइड मशीन में कवर भी सूख चुके हैं, अब मैं इन्हें धूप में फैला दूंगी। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।